जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में कई पाबंदियां लगाई गई है सरकार द्वारा, जैसे कि शॉप्स हो, मॉल्स हो, थिएटर्स हो, फिर रेस्टोरेंट्स हो, ये सभी जगह को रात के 10 बजे तक ही खुलने की अनुमति है। रेस्टोरेंट्स वगैरह को 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलने की अनुमति है। और भी कई पाबंदियां लगाई गई है, जैसे रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन है। बिना ज़रूरी काम के, इमरजेंसी के या एसेंशियल वर्क के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो ये रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये पाबंदियाँ कब हटाई जाएगी। तो इसी संबंध में महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रिलैक्सेशन फेब मिड से, यानी समझो कि आप 10-15 फेब से मिलने के चांसेस है। अभी जनवरी के महीने में तो नहीं मिलेंगे कोई भी रिलैक्सेशन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन फेब मिड में यानी 14-15 फेब के आसपास रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस है। तो रिलैक्सेशन के संबंध में राजेश टोपे जी ने ये बयान दिया है, तो मैं सोचा आप लोगों को इस बारे में अवगत करा दूं, क्योंकि कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन लगता है तो जनता को इंतजार रहता है कि रिलैक्सेशन कब मिलेंगे। तो जनवरी महीने में तो रिलैक्सेशन मिलने के चांस नहीं ही है, फरवरी में जरूर मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे सिचुएशन पैदा हो कि ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाए फरवरी में। कोरोना थोड़ा बहुत पीक पे जरूर है, वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए और हम सबका जीवन जो ऑलमोस्ट सामान्य हो गया था, फिर रिस्ट्रिक्शन लग गए, वो फिर से सामान्य हो जाए। तो रिलैक्सेशन के संबंध में पूरे महाराष्ट्र में ये है लेटेस्ट अपडेट। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखे, सभी को दुआओं में याद रखे। थैंक यू सो मच।